आज के नारीवाद और प्रोग्रेसिव विचारकों ने भारतीय हिंदू स्त्रियों पर हमेशा प्रश्न खड़े किए हैं। उनके अनुसार प्राचीन भारत से लेकर आज तक हिंदू समाज में स्त्रियों को दबाया गया, उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। लेकिन सच इसके उलट है। हिंदू समाज में स्त्रियां सदैव स्वतंत्र सत्ता और उच्च चेतना थीं। उदाहरण के तौर पर शबरी को लीजिए। शबरी कथित छोटी जाति की महिला थी, मगर शबरी एक सिद्धा थी। महाकवि वाल्मीकि उन्हें श्रमणी और सिद्धा कहते हैं। शबरी 13.5 वर्ष तक श्री राम की प्रतीक्षा करती रही। जिन मतंग मुनि के आश्रम में वह रहती थी, वह आश्रम रिक्त हो चुका था। सारे ऋषि मुनि बारी बारी से प्रयाण कर गए, किंतु शबरी निर्भया निःशंक होकर राम की प्रतीक्षा करती रही। राम जब शबरी के आश्रम में आए तो उन्होंने शबरी से पूछा कि हे श्रमणी, क्या तुम्हारी सारी बाधाएं खत्म हो गईं? तुम्हारा तप ठीक चल रहा है? क्या क्रोध और आहार पर तुमने विजय पाली है? क्या तुम्हारे मन को सुख मिलता है? कच्चिते निर्जिता विघ्नाः, कच्चिते वर्धते तपः, कच्चिते नियतः कोप आहाराश्च तपोधने। शबरी कहती हैं कि हे राम, मैं 13.5 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैंने आपके लिए फल मूल जुटाए हैं। शबरी की तपस्या देखिए, उनकी मुक्ति और भक्ति को अनुभव कीजिए। एक निष्ठ आत्मा और निर्भय मन की कल्पना कीजिए। आज से 6,500-7,000 वर्ष पूर्व एक गहन वन के आश्रम में अकेली रहकर बरसों राम की प्रतीक्षा करने वाली शबरी कैसी धन्या थी, और हिंदू समाज में 1,000 वर्ष पूर्व स्त्रियों का जीवन कितना स्वच्छंद था। क्या यह इस बात को प्रमाणित नहीं करता है?